नमस्कार दोस्तों, अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा काले हैं या फिर उस पर पपड़ी जमा रहती है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आपको सिंपल सी दो नुस्खे बताता हूँ। दोनों के दोनों आपको ट्राई करने हैं, आपकी ये जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। पहला जो नुस्खा है वो ये है कि सरसों का जो तेल होता है उसमें सरसों के तेल में आपकी उंगली डुबाइए, उसको नाभि के अंदर जो है उस सरसों को तेल को लगाइए। सवेरे नहाने के बाद आप ये लगा सकते हैं, या फिर जब आप सोने जाते हैं तो सोते वक्त जो है वो भी आप नाभि को जो है वो नाभि के अंदर थोड़ा सरसों का तेल अगर डालोगे तो उससे क्या होता है, आपके जो लिप्स है वो मुलायम रहने के लिए मदद होती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट नुस्खा ये है कि रात को सोते वक्त थोड़ा सा बोरोप्लस ले लीजिए और अपने लिप्स को लगा लीजिए। अब देखिए, गौर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लिप्स को लगा लीजिए। अब उसको आपको पोंछना नहीं, कुछ नहीं, सवेरे जैसे ही आप जागते हैं तो ब्रश करना, डायरेक्टली ब्रश करना। और ब्रश जब करते हैं तो उस वक्त जो आपने बोरोप्लस आपके लिप्स को लगाया, तो लिप्स को जो लिप्स है उसको थोड़ा जो है वो ऐसा रगड़ना, ठीक से, ताकि उसमें जो डेड स्किन होती है, जो पपड़ी है, वो आसानी से पूरी तरीके से निकल जाती है। और उसके बाद दिन भर आपको आपके लिप्स को कुछ भी नहीं लगाना है, ना कोई क्रीम लगानी है, ना कुछ लगाना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो आपको जो नज़र आएगा कि आपके जो ऊपर की ड्राई स्किन है वो भी निकल जाएगी और दिन भर आपके जो ओट है वो भी अच्छे रहेंगे। ये दो नुस्खा है, रोज़ आपको करना है। रोज़ आपके नाभि में आपको सरसों का तेल लगाना है और रात को सोते वक्त ध्यान से आपको, यानी याद से आपको जो है वो थोड़ा सा बोरोप्लस लगाना है। और सवेरे मैंने जो कहा कि जैसे ब्रश किया उसको अच्छी तरीके से लिप्स को जो है वो रगड़ना है, रगड़ते वो पूरी ड्राई स्किन निकल जाएगी और दिन भर आपके ओट मुलायम रहने के लिए मदद होगी। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।